एक बार एक स्कॉलर के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि भाई मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ बातें सुनाऊं जो आप नहीं जानते, क्या मैं आपको सुनाऊं? तो वो स्कॉलर रहते हैं और बहुत ही समझदार हिकमत वाले रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई एक मिनट रुको, आप कुछ बोलने से पहले एक मेरे पास एक फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर के थ्रू आपकी बातों को हम पहले टेस्ट करेंगे। तो शख्स कहता है वो फ़िल्टर क्या है? तो कहते हैं वो ट्रिपल फ़िल्टर टेस्ट है, आप जो भी बात करने वाले हैं पहले हम उसको ये फ़िल्टर से पास करेंगे। तो फिर उसके बाद पहला फ़िल्टर का जो है ना पहला पॉइंट रखते हैं, क्या उस शख्स के बारे में जो आप कहने जा रहे हैं क्या वो बात सच है? तो वो शख्स कहता है मैं तो बस सुना हूँ, बात तो ऐसे कन्फर्म नहीं है। तो उसके बाद फिर वो स्कॉलर कहते हैं दूसरा जो फ़िल्टर है वो है कि क्या जो उसके बारे में आप जो बात कहने जा रहे हैं मेरे दोस्त के ताल्लुक़ से, क्या वो कोई अच्छी बात है? तो कहता है कि नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। तो दोनों फ़िल्टर्स में जो है ना फेल होता है। उसके बाद फिर स्कॉलर कहते हैं कि फिर भी एक तीसरा फ़िल्टर है, देखते हैं उसमें पास होते हैं कि नहीं, दो तो तुम फेल हो गए वैसे भी। तीसरा फ़िल्टर वो कहते हैं क्या उस शख्स के बारे में जो आप कहने वाले हैं क्या मुझे उससे कुछ फ़ायदा होगा? तो वो कहता है नहीं, उससे आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर उसको कहते हैं आप एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो पहली बात तो कोई सच नहीं है या उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, दूसरा कि जो ना उस शख्स के बारे में बुराई है, और तीसरा मुझे सुनने में कुछ का फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी बात सुनाते ही क्यों, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में कई वक्त हम ऐसे कम्युनिकेशंस या ऐसे डिस्कशन लोगों से करते हैं जो बिल्कुल लहू और बेफ़ायदा डिस्कशंस होते हैं, और इसमें से ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है वो है गीबत, किसी की बुराई करना जो सामने वाला अगर सुने तो उसको जो है ना बुरा लगे और जिसमें कुछ हमारा फ़ायदा भी नहीं है। अल्लाह ताला इसके बारे में बहुत सख्त वार्निंग देते हैं और कहते हैं ला यग़तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की तुम गीबत मत करो। أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, क्या तुम अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? فَكَرِهْتُمُ, तुम कराहियत करते हो। उसी तरीके से गीबत से कराहियत करो, किसी की बुराई करने से कराहियत करो, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है साथियों, बहुत ख़तर, वो माशरे को तबाह कर देती है, वो रिलेशनशिप्स को जो है ना ख़त्म कर देती है। कई वक्त हम जब किसी के बारे में जब बुरा सुनते हैं उसकी तो पहले वेरासिटी नहीं, वो ट्रुथ ही नहीं होता, और अगर हो भी सकता है तो इंटरप्रिटेशन बहुत बुरा हो सकता है उसको। तो अपने आप को लोगों के ताल्लुक से बुरा सुनने से बचाइए साथियों, गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप सुन रहे हैं इसलिए सामने वाला सुना रहा है। तो इसलिए आज के बाद से आपके हर कम्युनिकेशन के ऊपर गौर करें, हर कन्वर्सेशन के ऊपर, सामने वाला अगर आपको कोई ऐसी बात सुना रहा है किसी के ताल्लुक से जो बुरी है तो उसको आपको बिल्कुल नहीं सुनना है, या तो कन्वर्सेशन को कट ऑफ करना है या तो उस जगह से हट जाना है, तो आप बहुत बड़े कबीरा गुनाह से बच जाओगे इंशाल्लाह।